प्रभु करिए नहीं पिटोली, प्रभु करिए मंदिर टोली, करो अब चलिए भगवान अब जो होली सो होली, करो अब चलिए मोहन अब होली अब होली, करो अब चलिए मोहन अब जो होली सो होली, करो अब चलिए मोहन अब होली तो अब होली, हाथ पकड़ भगवान ने कुबजा को प्रसाद किया, आगे बढ़ो के चल रहे, ठीक है हम तुम्हारे घर कंस का वध करके आए, मन मंत्र में समाया कुबजा ने भगवान को, आगे जाकर के जहाँ बड़ा भारी धनुष रखा है, बड़े बड़े सेवकदार पहरेदार लगे हैं, भगवान ने जाकर के उन्हें बड़े सुंदर भाव में कह दिया, भैया यहाँ घूम फिर करके देखना चाहते हैं ये धनुष कैसा है। और सेवकों ने जब कहा घूमने के लिए देखने के लिए, तो भगवान ने वो विशाल जो धनुष था कंस महाराज जैसे उठाया करते थे, कौशल दिखाया करते थे, जो उनके बगैर कोई उसे हिला नहीं सकता था, उठा नहीं सकता था, उसकी प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पाता था, और भगवान ने खेल में उसे खींचा और तोड़ दिया, और जैसे ये धनुष टूटा आकाश गुंजायमान होने लगा, कंस को पता चल गया कि मेरा काल आ गया है, अब नहीं बच पाएगा, अब तुम्हारा भगवान यह सब कुछ करने के बाद नंद बाबा के पास में आया, और उसके बाद में लेकिन यहाँ रात्रि भर विश्राम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उधर उसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ पा रहा है, और ये कंस है ना रात्रि में ही महावत को बुला लेता है, सुनो भैया कुवलिया की रात्रि को मदरा पिलाओ, रात्रि भर और नंद बाबा को पहले बुलाओ सभा में, फिर बालकों को बाद में बुलाओ, और सुनो कुवलिया पीड़ हाथी के द्वारा इनको कुचल भराओ, चारों ओर मुष्टि को बुलाया, सुनो अगर वहां से किसी भी तरह बच जाते हैं ये लोग तो मेरे पास आने से पहले ही इन्हें पकड़ करके मार डालो, अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना है तुम्हें, किसी भी प्रकार इन दोनों बालकों का वध होना चाहिए, और ऐसा आश्वासन अपने सेवकों को दिया इन्होंने, लेकिन बड़ा सुंदर भाव है, स्वामी सुखदेव जी ने कहा है जब प्रातः काल हुआ है मल्लशाला का बड़ा सुंदर मैदान लगा हुआ है, बड़े बड़े मल्ल कौशल दिखा रहे हैं, सभी सभासद बैठे हुए हैं, नंद बाबा को पहले ही बुला लिया गया है, बहुत ही अद्भुत भाव है, बड़ा आनंदमय भाव चल रहा है, और यहाँ पर कन्हैया अपने बाल बालों के साथ में बड़े सुंदर भाव से चले जा रहे हैं, खेलते कूदते हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, जब कोई कौशल कन्हैया जी करते हैं ना तो उन्हें यही लगता है कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण है ना, जैसे कि वह गाय चरा रहे होते हैं और बड़े आनंद के साथ में, और जैसे सभा के मध्य में ठाकुर जी पधारे, कुवलिया पीड़ हाथी प्रथम दरवाजे पर मिला जिसका वध किया मेरे गोविंद ने, उसका उद्धार किया, और उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ करके गए देखा बड़ा सुंदर मल्लशाला महाराज कंस का बड़ा सुंदर दरबार, बड़े बड़े कौशल रूपी मल्ल वहां कौशल दिखा रहे हैं,
लेकिन यहाँ जैसे भगवान अलग अलग भाव में अलग अलग रूप में सभी को दर्शन देने लगे। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने 10 रसों का वर्णन किया है। मल्ला नाम सनिधिना नटवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम सुजनो सताम चितभुजां शास्त्रास्म पित्रो वृत्ति भूज पति विराट विशुदाम तत्व परम योगिना प्रश्नी नाम परवेदितम विदितो रंग गतम सागरतः। मल्लों को भगवान कृष्ण लग रहे हैं वज्र की समान। आज वज्र का प्रहार हमारे ऊपर होने वाला है तो प्राण निकल ही जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। यह रौद्र रस होता है और उसे जन साधारण को उत्तम मानव दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो कन्हैया हैं। यह अद्भुत रस होता है, गोपों को अपने जैसे लग रहे हैं, अपने ही जैसे हास्य रस है। यह श्री मंत्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। यह श्रृंगार रस है, राजाओं को उनमें महाराजाओं की प्रीति हुई। यह वीर रस होता है, माता पिता को अपने पुत्रों के रूप में दिख रहे हैं। यह वात्सल्य रस होता है, कंस को यमराज के रूप में दर्शन दिया। भयानक रस है यह, अज्ञानियों को अपूर्ण लगे विभत्स रस होता है यह, योगियों को परम ब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहे हैं शांति रस होता है यह, और इष्ट देवता वैष्णवंशियों को अपने इष्ट देवता के रूप में दर्शन दे रहे हैं, यह भक्ति का रस होता है। फिर आगे बड़ा सुंदर भाव है, कुछ दानी दाताओं का दान आया है वो इस प्रकार है। 11 फरवरी नरसिंह पाल सिंह BDC 51 रुपए, कलावती के पोते कर्णवीर 100 रुपए, उमेश और कौशल और एक साड़ी 100 रुपए, छीतर दूधिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने कह दिया है, जिसकी जैसी भावना वैसे भगवान उसे दर्शन दे। जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी इतनी तैसे। जैसे भाव जिस प्रकार जो भगवान को देख रहा है उसी स्वरूप में वो दर्शन दे रहे हैं उसको, और बड़ा सुंदर भाव है हमारा। कंस का इशारा पाते ही पहलवानों ने पकड़ लिया इन बालकों को, चारों मुष्टिक। आज भगवान कृष्ण को चारों ने पकड़ लिया, बलराम जी को मुष्टिक ने पकड़ लिया, खींचना प्रारंभ किया है। भगवान कन्हैया ने कहा, क्यों भैया क्या कर रहे हो ये? चारों कहने लगे, युद्ध करना चाहते हैं तुमसे और क्या करें। ठाकुर जी ने कहा, हमारे बराबर के योद्धा नहीं है क्या यहाँ? और देखो पर्वतों के समान आकार वाले तुम, हम तुमसे युद्ध करेंगे? कौशल तो हम भी दिखाएंगे अपना, क्योंकि इसीलिए आए हैं, लेकिन पहले तुम्हारे लोगों का कौशल देख लें। तो यहाँ कंस महाराज के पहलवान कैसे क्या कौशल दिखाते हैं, फिर हमारा भी देख लें, और फिर हमारे बराबर के पहलवान ले आओ तो हम अभी भी दिखा देंगे। हम नन्हे नन्हे से बालक और तुम इतने बड़े पर्वतों के समान आकार वाले। चारुण ने कहा, तुम्हें बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है कृष्ण, आज पता चल जाएगा तुझे कि तू कितना बड़ा योद्धा है, कितना बड़ा पहलवान है। नंद बाबा ने देखा, गड़बड़ी हो रही है, मेरे बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, अब यह कैसे वारा जाएगा? हे महादेव जी महाराज, हे महादेव बाबा, मेरी पुत्रों की रक्षा करो, कैसे मैं लौट कर कैसे जाऊंगा ब्रज में, कैसे मुंह दिखाऊंगा इन बालकों को अगर कुछ भी हो गया तो? अब तो याद आई हनुमान जी महाराज, आप ही कुछ रक्षा करो। हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली, 52 लड्डुओं का भोग लगाऊंगा तुम्हारे चरणों में, हे भगवान मेरे पुत्रों की कैसे भी रक्षा करो। बुढ़े बाबा नंद राय जी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, धड़कने तेज हो गई हैं, बड़ी बेचैनी होने लगी है, पसीना आने लगा है। कन्हैया ने एक झलक नजर डाल करके अपने बाबा को देखा, बढ़ती हुई धड़कनों को जाना, गोविंद ने एहसान हो के कहीं बाबा ही चले जाए तो यहाँ मैया को काम दिखाए थे, इसलिए कहा चारू हमारी यशोदा मैया ने भी हमें खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, अब हमारा कौशल देखना चाहते हैं। चारू ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तू कितना बड़ा बलवान है, तेरी मैया ने कितना दूध पिलाया तुझे पता चलेगा।
अरुण ने गाया तो मैं तेरे जैसे पापियों को तुम चुटकी में यूं पछाड़ते हैं। हमारी यशोदा रानी ने, हमारी यशोदा मैया ने ऐसा दूध पिलाया है बेटा आपको। और भगवान ने देखा है नंद बाबा परेशान दिख रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। चारों को पकड़ के हाथ खींचा और जोर से घुमाया, घुमा करके पृथ्वी ये मारा गोविंदा नमो नमः, प्राण निकल के चले गए। बलराम जी ने देखा कन्हैया की ओर, मुष्टि को पकड़ रखा है, बड़ा चालाक है, मतलब मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले पुरुषार्थ दिखाना था और इसने पहले ही कमाल कर दिया। और बलराम जी ने कहा तो फिर ठीक है कन्हैया, ले तूने अपना पुरुषार्थ दिखा दिया, हमारा भी देख। अब मुष्टि को पकड़ा, फेंका, नीचे पकड़ा, एक मुष्टि प्रहार किया सर में, गोविंदा नमो, एक खत्म, मुंह फाड़ गया। और कुछ पहलवान लोग आने का ताश किया, लेकिन एक बात और है, महाराज कंस की सभा में सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे चारुण और मुष्टि, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। लेकिन एक बात और भी थी, यह चारुण जो था जिसे पकड़ लेता था ना मल्लशाला कौशल में, फिर प्राण निकल जाते थे उसके, मतलब यह वह बच नहीं पाता था चारुण ने जिसे पकड़ लिया, और मुष्टिक ने जिसने मुष्टिक प्रहार कर दिया उसके प्राण रह नहीं सकते शरीर में, निकल ही जाएंगे, ऐसे बलवान योद्धा थे। लेकिन आज कन्हैया बलराम ने इनका उद्धार किया और इन्हें मुक्ति प्रदान की। प्रेम से भूलेंगे गोविंद भगवान की, अब बालकों ने ऐसा कौशल दिखाया है, बड़ी कमाल की बात है ना। इसलिए बाजे बजाने वाले जो खड़े थे ना, उन जोशीले बाजों को बजाने लगे, वाह क्या बात है, नन्हे नन्हे बालकों ने ऐसा कौशल दिखाया, अब बाजे बज रहे हैं। महाराज कंस कहने लगा, मूर्खो मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं और तुम बाजे बजा रहे हो, बंद करो इन्हें। लेकिन कौन सुनता है, कन्हैया ने छलांग लगाई और आज जाकर के महाराज कंस के पास में गए तो देख रहे हैं जैसे कि यमराज लेने के लिए आ गए, और पकड़ लिया, मुकुट निकाल दिया, बाला को पकड़ लिया, घसीट करके ला रहे हैं। और कंस कह रहा है छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो मोहन, मुझे छोड़ दो माधव। भगवान ने कहा जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने बड़े कष्ट मेरे माता पिताओं को दिए, बहुत सताया तुमने मेरे ब्रजवासियों को, आज नहीं छोड़ूंगा। और खींच कर घसीट करके लेकर के आ रहा है, बालों को पकड़ करके आज छाती पर बांट रहे हैं। और कंस घबरा घबरा के कह रहा है छोड़ दो मुझे, तुम मेरे भांजी हो, मैं मामा हूँ तुम्हारा, छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो कृष्ण। लेकिन भगवान ने कहा है मामा कंस, अगर तूने छोड़ा होता किसी को तो मैं भी छोड़ देता। लेकिन यार क्या तूने किसी को छोड़ा था क्या, नहीं छोड़ा था तो फिर मैं तुम्हें कहते। और सुन, संसार का नियम है जैसा जो जिसके साथ में कर्म करता है वैसा ही विधान हुआ, उसके साथ में उसे दंड देता है। और मामा कंस, ये मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं दंड देने वाला नहीं हूँ तुम्हें, तुम्हारा दंड कौन तुम्हें दे रहा है यह सुन लो मेरी बात। बड़ा सुंदर का आदर, सुन मेरी जननी की तूने चेहरे और कैसी देख सजा कर आई थी, सुन मेरी जननी की तूने और कैसी सजा कर आई थी, तूने मेरी जननी की अब कैसी सजा कर आई थी। और मामा कंस पकड़ा था रथ से बाल मेरी माता देवकी को याद करो, तुमने जब विवाह हो रहा था तो उनके साथ क्या किया था, उनके मन में कैसी भावनाएं होंगी, कैसा मन उन्होंने सजोया होगा अपना, इतनी सुंदर दुल्हन बन करके अपने प्रेतम के साथ वह जा रही थी। लेकिन मामा कंस तूने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, इसलिए याद करो समय। और सुन, जिन बालों को खींच करके पकड़ा था तूने देवकी
समय आ गया है आज वही देव की तुझसे बदला लेना चाहती है। उन बालों का बदला तुमसे, उन बालों का बदला तुमसे, और लेता है बाल देव की का, लेता है बाल देव की का, लेता है बाल देव की का। जिसको परेशान किया, जिन बालों को खींचा, वही बाल तो मैं परेशान करने के लिए तुम्हारे बारे में खींचने के लिए आ गया। जय जय। और लेता है बाल देव की का, लेता है बाल देव की का, लेता है बाल देव की का। वो नव बाड़ी की अस्त्र ध्वनि, वो नव बाड़ी की अस्त्र ध्वनि, उस नव अस्त्र ध्वनि, उस नववाणी की अस्त्र ध्वनि है अष्टम लाल देव की का, है अष्टम लाल देव की का, है अष्टम लाल देव की का। उस नववाणी की अस्त्र ध्वनि को खींचा, पकड़ के देवती का बाल तुमसे बदला लेने आ गया। मैं वही देवती का आठवां पुत्र हूँ, जिसे आकाशवाणी ने तुझे बताया था मामा कंस कि तेरा काल होगा और तुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है, इतना भी यत्न कर ले। और ऐसा कहकर के भगवान ने अपना बाहुबल बहुत तेज गति से उसके छाती में प्रहार किया और उसके निकल गए प्राण, निकल करके चले गए। गोविंदाय नमो, प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और कंस का वध होते ही भगवान दौड़ करके भागते हुए, और देखिए आज भागते हुए भगवान कन्हैया ने आज जाकर के कारागृह में, जहाँ उनके नाना उग्रसेन जी बंदी गृह में थे, तोड़ दिया उसे और जाकर के उनके बेड़ियों को खोल दिया और चौड़ों में बैठ करके प्रार्थना करने लगे। महाराज शीघ्रता कीजिए। उग्रसेन जी ने देखा छोटा सा सुंदर सा, महाराज आपके कारागृह में मेरे माता पिता देवती वसुदेव हैं, अब शीघ्र चलते उनके बंधन खोलिए। लेकिन उग्रसेन ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ, मैं माता देवकी का पुत्र माता हूँ। उग्रसेन ने कहा फिर तो प्रभु आप ही जाकर के खोल दो। नहीं, क्योंकि तो आपने महाराज कंस का वध किया है, मैं तो एक सेवक भांति हूँ, मैं तो बंदी ग्रह में बंदी हूँ। मेरा प्यार आपने कंस को मारा, मथुरा के कादपति तुमने अपने हाथों में ले लिया, अब तो सारा मथुरा राज्य का शासन तुम्हारे हाथों में आ गया। तुमने कंस को मारा है, मथुरा के राज्य के मालिक तो आप हैं ना, आप जाकर के कुछ भी करो। नहीं, भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, महाराज आप हमारे राजा हैं, आप हमारे महाराज, हम तो प्रजा हैं आपकी। और महाराज जब कभी राजा संकट में होता है तो प्रजा का भी धर्म बनता है अपने राजा के संकट को निवारण करना। वही हमने अपना फर्ज, जिस प्रकार राजा अपने प्रजा को प्राणों से प्रिय रखता है, वैसे ही प्रजा का भी कर्तव्य होता है कि कभी राजा के ऊपर परेशानी है, संकट आ गया है, तो संकट से उसको निकालना, तो हमने किया और क्या करना। इसलिए आप मेरे माता पिताओं को जल्दी शीघ्र जाकर के वर्णन से आदेश कीजिए। अगर गुरसैन भाग करके दौड़ करके गए देवकी वसुदेव के बेड़ियों को तोड़ा, वर्णन से मुक्त किया, अपने माता पिताओं को निहार करके भगवान ने देखा। माता देवकी ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाकर तुमके उसे चूमा है, आया कपोलों का चुम्बन किया है, प्रेमांशु भाव में भूमि रूप नहीं है, आंखों में प्रेम भाव की अश्रु है, आनंदित भाव में कन्हैया आपने माता पिता के चरणों में सर झुकाकर के लेटे हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। भैया पिताश्री माता बहुत हतभागी हूँ मैं, जो कि आपको इस भांति मैंने देखा, बहुत बड़ा हतभागी हूँ मैं, सामर्थ्यवान होने पर भी मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा नहीं की,
माता पिताओं ने कहा पुत्र हतभागी तुम हम भी है क्योंकि हमने तुम्हें कंस के भय से अपने से दूर रखा, मिलाया, आनंदित किया, हर्ष उमड़ा। वसुदेव जी के छौर कर्म इत्यादि को करा, सुंदर वस्त्र पहना करके देखिए भूषण महाराज को अधिपति बनाया मथुरा का। बड़ा पावन भाव है आज आज मथुरा नगर में उस सभा में जय जयकार हो रही है कृष्ण बलराम, सभी लोग जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। हुसैन महाराज वसुदेव प्रजाजन सभी भूल रहे हैं कृष्ण बलराम की जय है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं अरे ओ मथुरा वासियों अगर तुम्हें जय बोलनी है ना भैया तो फिर जय मेरी यशोदा मैया की बोलो, अगर तुम्हें जय बोलनी है ना प्यारे तो जय बोलो नंद बाबा की, जय बोलो मेरी प्यारी गायों की, जय बोलनी है ना तो मेरी गोपियाओं की जय बोलो, जय बोलो टुकड़ी वासियों की जय बोलो, यमुना की जय बोलो, यमुना रेती की जय बोलो, कण कण में बसे हुए उनके वृक्ष लताओं की जय बोलो। तो गुजर वृक्षों की छाया मैंने बड़ा हुआ, जिन गायों का दूध पिया, जिस यशोदा मैया ने मुझे खाना, इसके बल से मैंने आज कंस का वध किया, वो सबसे अधिकारी जय बोलने के उनकी जय बोलो, मेरे माता पिताओं की जय बोलो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, जिसने माँ बाप की पूजा देवताओं के स्वरूप के आधार से नहीं की हो वो पुत्र क्या क्या फायदा ऐसे पुत्र का। बड़े सुंदर पद्धति में कहा है माँ गुरुकुल गुरुओं ने, माता की पूजा देवताओं की तरह करनी चाहिए, मातृ देवो भव, माता पिता का देवताओं से कम स्थान नहीं है, पितृ देवो भव, गुरु आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। जिस भांति भगवान की आराधना हम कर रहे होते उसी भांति अपने माता पिताओं की हमें सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और जो माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें तो कष्ट मिलना है, उनके कष्ट का निवारण कैसे हो। जिन माता पिताओं ने कष्ट मय होकर के जिनके कष्ट का निवारण किया वो उन्हीं को कष्ट देने के लिए तत्पर हैं, तो फिर उनके कष्ट का निवारण कौन करेगा। बड़ा सुंदर भाग है, मथुरा के अधिपति उग्रसेन महाराज बने हैं और वसुदेव देवकी के द्वारा भगवान कृष्ण ने आज कुछ भेंट उपहार लेकर के नंद बाबा को प्रदान कराई और नंद बाबा को वृंदावन जाने का आग्रह किया है और ब्रज वालों के सामने बाबा आप लौट करके जाएं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया आप नहीं जाओगे क्या, लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर कहा बाबा आप जानते हो ना मैंने कंस का वध किया है, यहाँ की व्यवस्था की देखरेख मेरी जिम्मेदारी में, ये लोग मान नहीं रहे, जिद कर रहे, थोड़ा समय और मांग रहे, तुम्हें दो चार दिन में और इन्हें समझाऊं या करके आ जाऊंगा, लेकिन नंद बाबा तो जानते हैं, इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, व्यास जी ने लिखा है सप्यता साच जननीयो उष्णीतास पुत्रवत शिशूनम बंधु बिरु दृष्टा न कल्पे है पोसुरक्षण। भगवान कह रहे हैं बाबा सुजनों के त्याग देने पर जो पुत्रों की सेवा करते हैं जो लालन पालन उनका करते हैं असलियत में वही माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं, जो अपने स्वयं के माता पिताओं के त्याग देने पर पुत्रों को जो जिनकी सेवा करता है जो जिनका लालन करता है जो जिनका पालन करता है जो जिन्हें श्रेष्ठ बनाता है सत मार्ग दिलाता है वही वाकई में हकीकत में वही माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं जिन्होंने पालन किया और लालन किया, इसलिए आप ही हमारे माता पिता रहेंगे, आप ही जमाना आपको ही हमारे माता पिता के रूप में देखेगा, सदैव
कृष्ण और बलराम को यशोदा का लाला कहा जाएगा, नंद का लाला कहा जाएगा। सदैव आप हमारे माता पिता होंगे बाबा, इसलिए आप यशोदा मैया को जाकर समझाना, बाल वाला को जाकर समझाना। मैं कुछ समय के बाद आ जाऊंगा। नंद बाबा ने देखा है कन्हैया बड़ी चालाकी से हम कर रहा है, और ठीक है कन्हैया तो गए नहीं, बलराम गए नहीं, लौट करके ग्वाल बाल सखा चले गए, नंद बाबा चले गए, और लेकिन यहाँ जब लौट कर ये गए तो क्या हालत होगी उन ब्रिजवासियों की। परसों का वादा करने वाला वो कृष्ण अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। लेकिन उधर वसुदेव देवकी ने आज बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है, हमसे दूर रहने के कारण हमारे पुत्रों की शिक्षा नहीं हो पाई है, इसलिए क्या करना है इनको अच्छी शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। और देखिए सांदीपन गुरु के यहाँ स्थित आश्रम में भगवान कृष्ण बलराम की शिक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठती। वो माता पिता शत्रु होते हैं जो अपने पुत्रों को अच्छी परवरिश नहीं देते, जो गलत मार्ग पर चलाने की राह देते हैं, जो अच्छा मार्ग प्रदर्शन नहीं करते, वो माता पिता शत्रु की समान होते हैं। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों को हर हाल में सत मार्ग, सत ज्ञान, अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जाए, पूरा प्रयास हर माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए। और जो माता पिता अपने ही पुत्रों को गलत मार्ग दर्शा रहे हैं उन्हें माता पिता कहलाने का अधिकार कहाँ है, क्योंकि अपने अंश स्वरूप को, अपने आप को जो धोखा दे रहा है उसे माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता है। क्योंकि माता पिता तो वही है जो हर हाल में अपने पुत्रों का भला चाहे, सामर्थ्य के अनुसार और उससे भी ज्यादा उनकी परवरिश में, उनके सत्मार्ग में, उनकी शिक्षा में उनके लिए वो करते हैं। स्वयं परेशान होते हैं, स्वयं दुखी रह जाएं, लेकिन अपने पुत्रों का ख्याल, अपने पुत्रों को सत्मार्ग, सत ज्ञान, सत शिक्षा दें, वही माता पिता। और यही सोच करके वसुदेव और देवकी ने उन्हें भेज दिया। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव है राधे। भगवान सरलता, जब तक सरल नहीं हुआ जाएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। देखिए जो व्यक्ति सरल और तरल होता है, लेकिन तरल कब बनेगा, जब सरल होगा। जो सरल नहीं है, जो कठोर है, वो तरल ही नहीं बन सकता, और जो सरल है वह तरल भी मिल जाता है, और जहाँ तरल तरल मिलता है वहाँ गोविंद मिल जाता है। ध्यान रखना इस बात का, बड़ी सुंदर बात है। और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, एक परिवार था, उसमें एक व्यक्ति था जो कि ज्यादा भोजन करता था, थोड़ा परेशान घर वाले उसे रहते थे। कोई भी होता ऐसा व्यक्ति, पांडवों में भीमसेन ज्यादा भोजन किया करते थे, बहुत ज्यादा करते थे। घर वालों ने एक दिन बाहर निकाल दिया, फिर लौट करके आ गया। घर वालों ने कहा, लौट आया, घर वालों से कहने लगा, सुनो घर से निकाल करके तुम हमें पछता रहे हो, आप हमें घर से निकाल के पछताओगे, ध्यान रखना मत निकालो। घर वालों ने कहा, बहुत खाता, चल बाहर काम नहीं करता, निकाल। निकल कर के बेचारा गया, घूमते 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 पहुंचा एक महात्मा जी का आश्रम। बड़े सुंदर तंगड़े तंगड़े दो चार पांच शिष्य बाहर बैठे थे, गुरुजी भी आए निकल कर, तो वो भी बड़े मोटे ताजी थे। शिष्य वह व्यक्ति देख रहा है, सभी मोटे ताजी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ गुजारा चल जाएगा।
और वहाँ बैठ गया जाकर के लोगों ने कहा भैया क्यों आए हो, गुरुजी निकल कर के आए क्यों आए हो। उसने कहा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। गुरुजी निकल के आए, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। गुरुजी मैं यहाँ रह जाऊँ क्या? गुरुजी ने कहा हाँ रह जा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ रहोगे तो दीक्षा लेनी पड़ेगी और वैष्णव बनना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा। उसने कहा मैं दीक्षा ले लूंगा, वैष्णव बन जाऊंगा, भजन भी कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? एक बात बताओ, तुम्हारे आश्रम में पंगत कितनी होती है? गुरुजी ने कहा इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा पैसे पूछ रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा दो चार पांच तो हो ही जाती है। बड़े प्यार से कहने लगा गुरुजी तुम्हें पांचों पंगतों में भोजन करता ही रहूं तो चलेगा? गुरुजी ने कहा इतना खाता है भले आदमी, इतना भोजन, ज्यादा भोजन भी तो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहने लगा हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा चल तेरी बात, तू जाने हमें क्या लेना देना, कोई बात नहीं है रह ले। और पांच पंग उतना जब तक होती रहे जब तक बेटा खाता ही रहे खाता ही रहे खाता ही रहे, बड़ी समस्या। लेकिन महाराज वैष्णवों के यहाँ जब एकादशी आती है तो फिर व्रत रहते हैं। तो अब एकादशी का दिन आ गया, कहीं भी चूल्हा नहीं चला। गुरुजी के पास दौड़ा दौड़ा गया, गुरुजी हाँ आज चूल्हा नहीं जल रहा। गुरुजी ने कहा जलेगा कि नहीं? आज नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है हमारे, और कहते हैं एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, निराहार रहते हैं, निराहार। एक सौ एक रुपए गुप्त दान और 51 रुपए डब्बू और 100 रुपए आयुष, इनकी तरफ से दान आया है। बोली गोविंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है, एकादशी के लिए भोजन नहीं बनता बिल्कुल भी, हमारे यहाँ निराहार रहना पड़ेगा। शिष्य कहने लगा गुरुजी तो मैं निराहार नहीं रह सकता, मैं निराहार नहीं रह सकता, मैं तो बिना भोजन के मर जाऊंगा। गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ भोजन नहीं बनेगा भाई। और उस शिष्य ने जब ज्यादा प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा यह सामान ले जा यहाँ से, और सामान ले जा करके दूर नदी के किनारे जाकर के भोजन करना, स्वयं बनाना पड़ेगा, स्वयं खाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बन जाए खाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगा लेना। और साथियों ये सामान का पोटला बांध करके आ गया नदी के किनारे पर, और वहां बड़े अच्छी तरह से इसने प्रसाद बनाया, और प्रसाद बनाने के बाद भगवान को यह भोग लगाने लगा, ठाकुर जी को भोग लगा रहा बड़े प्रेम से और बड़े सुंदर भाव से भोग लगाया। इसमें सीताराम जी का बड़ा सुंदर भाव है, मन में भोग लगाया बड़े प्रेम से गाने लगाया। गुरुजी ने कहा कि भोग लगाना तो भोग तो लगाना है, और बड़ा सुंदर भाव से कहा सीता राम आई है, ओ राजा राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आ रहे तो यह भला आदमी क्या कहने लगा पता है?
सुनो, नहीं आए भगवान तो कहाँ इसे आचमनी अरघान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। सुनो, मंदिर में जो आचमनी से आरती के द्वारा अर्धान दे करके शंख के द्वारा जो तुम्हारी पूजा की जाती है वह नदी किनारे नहीं होगी। आचमनी अर्धान आरती यहाँ नहीं मेहमानी, अरे आचमनी और आज आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रूखी सूखी पाव प्रेम से यहाँ तो केवल यही है कि रूखे सूखे टिक कर रहे प्रेम पे पाव। अरे रूखी सूखी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए राजे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर कहने लगा भूख ज्यादा लग रही बेचारे को, इसलिए कहा सुनो गुरु जी ने कहा था इसलिए भोग लगा रहा हूं, नहीं तो मैं लगाता नहीं। गुरु जी ने कहा इसलिए, और तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम अगर मंदिर के चक्कर में हो कि वहां मिलेगा अच्छा भोग तो वहां कुछ नहीं है। और कहने लगा अरे भूल करोगे तो कर दोगे भोजन रूप से, अरे भूल करोगे तो कर दोगे अगर आधे में भूल करोगे तो यह भी चला जाएगा क्योंकि मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं तो खा जाऊंगा। और फिर अगर आए तुम तो फिर क्या मिलेगा, इसे जल्दी आ जाओ। भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूके सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूके सूखे। इसलिए कहा एकादशी आज मंदिर में कुछ नहीं बना कि वहां तो एकादशी है गुरु जी के नाम। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए सीता राम आइए तेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ भोजन का भोग अच्छी लगी पता है। भूल करोगे तो तज दोगे भोजन भूखे सूखे, अरे भूल करोगे तो तज दोगे भोजन भूखे सूखे। भगवान को बड़ी अच्छी लगी, मंदिर में एकादशी है भूखे रह जाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे ना रहो, इसलिए जल्दी आ जाओ। और जैसे ही कहा कि जल्दी आ जाओ, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन भूखे सूखे, भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम मेरा सार है, जिसने भजा है प्रेम से उसका बेड़ा पार है। बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्या हुआ है बड़ा सुंदर बता चुके। और कैसे आए बताए, नीलाम भुजम श्यामलम कोमलानम सीता समारोह पित वाम, तो अकेले नहीं आए सीता जी को साथ में ले आए, बाम बाम में माता जनक दुलारी जानकी जी बड़ी शोभा मान पा रही है, बड़ा सुंदर। लेकिन उसने देखा अरे बाप रे, गुरु जी ने कहा कि भगवान आएंगे और हमने तो दो आदमियों का भोजन बनाया था, या तो तीसरे, तो एक तो हम हो गए, एक हमारे भगवान जी हो गए और ये तीसरे।